और दोस्तों स्वागत है आपको अपना YouTube चैनल के आर एग्जाम में। दोस्तों फाइनली झारखंड उत्पाद सिपाही की जो दौड़ की प्रक्रिया है वो आपका शुरू कर दिया गया है। अब झारखंड के जितने भी जिले हैं सभी जिलों में अलग अलग आपका दौड़ जो है वो कंडक्ट होने जा रही है, ठीक है। चलिए देखते हैं, इसके लिए अभी अभी नोटिस भी जारी हो चुकी है, चलिए देखते हैं पूरी अपडेट को। और इससे पहले यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साइड पर बेल आइकॉन की घंटी है उसको भी दबा लीजिए, ताकि दोस्तों आपके एग्जाम से संबंधित आपको हमेशा सही जानकारियाँ मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों देखते हैं पूरी अपडेट। तो दोस्तों को जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये रहा वो नोटिस जो कि कल की डेट में झारखंड पुलिस मुख्यालय के द्वारा झारखंड के जितने भी जिले हैं सभी जिलों में ये नोटिस को भेज दिया गया है और उनको ऑर्डर दे दिया गया है कि दौड़ को जो है वो कंडक्ट किया जाए, ठीक है। देखिए यहां सबसे पहले आप लोग देख पा रहे हैं आदेश, देखिए बताया गया कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग झारखंड रांची का विज्ञापन संख्या 6/2023 के तहत उत्पाद सिपाही के पद पर नियुक्ति के नियमित झारखंड उत्पाद सिपाही संवर्ग नियमावली 2021 एवं गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग झारखंड रांची का ज्ञापन संख्या 5026 दिनांक 1/11/2023 के द्वारा लिए गए निर्णय के आलोक में झारखंड उत्पाद सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा 2023 में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों की शारीरिक जांच, मतलब आपका जो है शारीरिक जांच मतलब फिजिकल, ठीक है, और उसी के साथ में आपका माप वगैरह मतलब जो भी आपका है फिजिकल में वो सभी जो है आयोजन हेतु पुलिस मुख्यालय झारखंड रांची का आदेश ज्ञापन 188P दिनांक 4/3/2023 के द्वारा गठित पार्षद को संशोधित करते हुए निम्न प्रकार से पुलिस चयन पार्षद का पुनर्गठन किया जाता है, ठीक है। देखिए जो है सभी जिलों के लिए ऑर्डर दे दिया गया है, जैसे कि यहाँ पर सबसे पहले आप देख पा रहे हैं यहाँ पर बताया गया रांची के लिए, देखिए चयन पार्षद रांची के लिए जो ऑर्डर दिया गया है इसमें देखिए सबसे पहले राकेश रंजन को, ठीक है, सबसे पहले इनको दिया गया है अध्यक्ष के रूप में। उसके बाद देखिए सुमित कुमार अग्रवाल इनको भी बोला गया है। यहाँ पर मतलब प्रत्येक जिले में 5-5 अधिकारी को नियुक्त किया गया है दौड़ को कंडक्ट कराने के लिए, आप लोग अपने अपने जिले के लिए देख सकते हैं। देखिए जैसे कि आगे बताया गया यहाँ पर देखिए आपका जो है देखिए चयन पार्षद रांची के ग्राउंड के लिए, ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पर आप लोग देखिए हजारीबाग के लिए किसको किसको, आप लोग अपने अपने जिले को देख लीजिएगा कि कौन से जिले के लिए किनको किनको नियुक्त किया गया है अध्यक्ष के रूप में, ठीक है। यहाँ देखिए आगे देखिए चतरा के लिए, ठीक है, इसी प्रकार से झारखंड के जितने भी जिले हैं देखिए यहाँ आपका जामताड़ा जिले के लिए, ठीक है, ऐसे ही आपका यहाँ पर देखिए पाकुड़ जमशेदपुर चाईबासा, ठीक है, सरायकेला खरसावां पलामू लातेहार, आप लोग जहाँ जहाँ से हैं सभी जिलों में आपका जो दौड़ है वो कंडक्ट किया जाएगा। जैसे कि आप लोग देखे होंगे कि जो होमगार्ड का वैकेंसी आता है, ठीक है, तो होमगार्ड का वैकेंसी आता है तो आपके जिले में ही दौड़ को कंडक्ट किया जाता है, उसी प्रकार ये भी आपका आपके जिले में ही कंडक्ट किया जाएगा, जो कि आपका दौड़ जो है लगभग 1 महीने में तभी जो है जितने भी स्टूडेंट हैं सभी का दौड़ जो है वो संभव हो पाएगा, ठीक है, सभी जिलों में आपका दौड़ होगा, आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद देखिए लोहरदगा सिमडेगा, ठीक है, इसी प्रकार से आप लोग इसको पूरा देख लीजिएगा आपका जो भी जिला है सभी के लिए किसको किसको नियुक्त किया गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आगे बताया जा रहा है, आप लोग पूरा वीडियो को जरूर देखिएगा, आपको सभी जानकारियां मिल जाएगी, ठीक है। देखिए यहाँ पर अगले दूसरे नंबर पॉइंट में बताया जा रहा है कि प्रत्येक चयन पार्षद के अध्यक्ष चयन पार्षद के जिला कल्याण पदाधिकारी को नामित किए जाने हेतु संबंधित जिला के उपायुक्त से अनुरोध करते हुए उनकी उपस्थिति सुनिश्चित करेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए अगले पॉइंट में आपको बता दिया गया है कि सभी चयन पार्षद के अध्यक्ष स्पष्ट रूप से निर्देशित किया जाता है कि झारखंड उत्पाद सिपाही संवर्ग नियमावली 2021 में वर्णित, मतलब जो जो उसमें आपका होने वाला है, ठीक है, सबसे पहले आपका जो है हाइट की जाँच किया जाएगा, उसके बाद आपका छाती की जाँच किया जाएगा, उसके बाद फिर आपका जो दौड़ है वो कंडक्ट किया जाएगा, ठीक है, तो वही आपका जो है नियमावली 2021 में वर्णित है, ठीक है, और उसमें जो है झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के निर्देशन से शारीरिक जांच और परीक्षा पारदर्शी रूप से संचालित करना सुनिश्चित करेंगे। जी हाँ दोस्तों यहाँ पर ऑर्डर दे दिया गया है कि आप लोग को जिस तरह से जो नियमावली में बताया गया उसी तरह से आप लोग इसको जो है वो कंडक्ट करेंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूँ अब तो आपका दौड़ जो है वो शुरू होने जा रही है, ठीक है, और जो जो स्टूडेंट अभी तक जो है तैयारी शुरू नहीं किया दोस्तों आपका दौड़ के बाद में आपको 1 महीने का भी समय नहीं दिया जाएगा, ठीक है, इसीलिए अभी तक जो जो बुक्स नहीं दिए दोस्तों आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं अभी सबसे ज्यादा स्टूडेंट के द्वारा ये बुक को लिया जा रहा है 149 रुपीज में आपका PDF फॉर्मेट में आपके उत्पाद सिपाही से संबंधित आपका जितने भी मेटेरियल है पेपर 1 का बुक 2 का बुक 3 का बुक उसी के साथ में आपको जो लास्ट ईयर में झारखंड उत्पाद सिपाही के अंतर्गत जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर इसके साथ में आपको फ्री मिल जाएगा, ठीक है, जिससे आप लोग देख सकते हैं कि किस प्रकार से लास्ट टाइम में उत्पाद सिपाही में आपका जो परीक्षा है वो आपका लिया गया था किस कौन सा लेवल रहता है, ठीक है, वो सब आप लोग उससे देख सकते हैं। उसी के साथ में आपको झारखंड जो उत्पाद सिपाही के लिए स्पेशल नोट्स है झारखंड जीके का वो भी आपको इसके साथ में फ्री मिल जाएगा,
जाएगा। यदि कुल मिलाकर देखा जाए आपको एग्जाम से संबंधित जितने भी मटेरियल है सभी मटेरियल मिल रहा है मात्र 149 रुपीज़ में PDF फॉर्मेट में। जो जो स्टूडेंट अभी तक नहीं लिए हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप का लिंक मिल जाएगा, आप लोग जाकर व्हाट्सअप में कॉन्टैक्ट कीजिएगा। आपको बताना है कि सर हमको उत्पाद सिपाही का बुक का PDF चाहिए, ठीक है, आपको बता दिया जाएगा कि आपको कैसे परचेज करना है। चलिए अब देखते हैं चौथे नंबर पॉइंट को। देखिए चौथा नंबर पॉइंट में बता दिया गया कि प्रत्येक चयन पार्षद के अध्यक्ष चिन्हित जिला में शारीरिक जांच और माप की परीक्षा हेतु जो स्थल है मतलब जहां पर आपका किया जाएगा या फिर ग्राउंड का चयन करके झारखंड कर्मचारी चयन आयोग रांची को अवगत कराएंगे कि कहां पर वो लोग दौड़ जो है वो कंडक्ट कराने जा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए अगले पॉइंट में बताया गया कि गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग रांची जो है झारखंड रांची का ज्ञापन संख्या 3690 दिनांक 10/8/2023 के आलोक में उक्त शारीरिक जाँच माप के लिए परीक्षा में उपयोग होने वाले विभिन्न प्रकार के तकनीकी मतलब जो जो आपका जो है उपयोग किया जाता है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस वगैरह, ठीक है, उसका जो है उपकरण के सेवा के लिए क्रय एवं एजेंसी का चयन जो है वो निविदा के माध्यम से पुलिस मुख्यालय द्वारा नियमानुसार की जाएगी, ठीक है, मतलब पुलिस मुख्यालय जो ऑर्डर देंगे उसी के अनुसार किए जाएंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए आगे बताया गया कि उक्त निविदा समिति में उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के द्वारा सदस्य के रूप में एक पदाधिकारी नामित किया जाएगा, ठीक है, और जो है निविदा प्रक्रिया एवं शारीरिक परीक्षा में हुए जितने भी व्यय मतलब जो भी खर्च वगैरह होंगे, ठीक है, वाहन उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग द्वारा नियमानुसार किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये सब आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। अब देखिए ये जो है नोटिस कल की डेट में सभी जिलों को भेज दिया गया है, यहाँ पर आप लोग देखिए 20/6/2024 को मतलब कल जो है सभी को भेज दिया गया है ये नोटिस को, ठीक है दोस्तों। तो अब आप लोग एकदम पूरी तरह से रेडी हो जाइए, आपका जो है जिले में प्रत्येक जिले वाइज आपका जो दौड़ है वो आपका शुरू होने जा रहा है, ठीक है। जो जो स्टूडेंट अभी तक बुक्स नहीं लिए दोस्तों, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप का लिंक मिल जाएगा, आप लोग बुक्स लेकर तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि दौड़ आपका जैसे कंडक्ट होता है आपको दौड़ने के बाद में परीक्षा के लिए समय आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ लगभग आपको सभी जानकारियाँ मिल गई होगी। यदि आपको जानकारी अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़े रहिएगा ताकि आपके एग्जाम से संबंधित आपको हमेशा सही अपडेट मिलते रहे।